बहुत बहुत रिपीटेड सवाल, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन गैसेस स्पेशीज ऑफ वी प्लस थ्री, सी आर प्लस थ्री एंड एम एन प्लस थ्री रिस्पेक्टिवली। यार 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 यार, पहले देखो भाई, एक सीरीज होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। आम हालात में वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d3। ये तब कह रहा हूँ जब ये खाली वेनेडियम होता है। जब क्रोमियम हो तो 4s1 3d5 हाफ फिल को प्रेफर करता है, और मैंगनीज की होती है 4s2 3d5। अब थोड़ा दिमाग सोचो, अगर Cr प्लस थ्री हो तब तो बड़ा आसान है भाई कि D के ये जो 5 अनपेयर्ड है ना, देखो अभी 6 अनपेयर्ड हैं, इसमें D के 3 अनपेयर्ड कम हो जाएंगे, 5 में से 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा 4s1 3d2। तो कितने अनपेयर्ड रहेंगे, एक S का और 2 D के, 3। तो क्रोमियम प्लस थ्री का तो बड़ा आसान है भाई, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब हम बात 4s2 3d5 की करते हैं। अभी देखो इसके 5 अनपेयर्ड थे, तो बज़ाहिर लगता है कि भाई हमने 3 कम कर दिए तो ये 4s2 3d2 रह जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हाफ फिल को प्रेफर करता है। तो एस का एक यहाँ डी में जम कर लेता है 4s1 3d3, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर्ड, एम एन प्लस थ्री में, सी आर प्लस थ्री में, दिए और वी प्लस थ्री के भी देख लेते हैं। अब 4s2 d3 में बज़ाहिर समझ में आता है कि D के तीनों चले जाएंगे, 4s2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। S का एक D में जम करता है 4s1 3d1, इसके भी 2 होते हैं, तो Mn प्लस 3 के हो जाएंगे भाई आपके 4, क्रोमियम प्लस 3 के 3, वेनेडियम प्लस 3 के। यहाँ तरतीब में रिस्पेक्टिवली कहाँ लगेगा, पहले वेनेडियम की बात करनी है, तो ऑफकोर्स वेनेडियम के 2, अभी देखें क्रोमियम के 3 और मैंगनीज के 4।